पीरू एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का स्वागत है डियर। बात करेंगे डियर केवीएस रिजल्ट के अकॉर्डिंग और साथ ही साथ बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग माननीय सुप्रीम कोर्ट की द्वारा क्या कुछ अपडेट आ रही है, पूरी तरीके से आपको रूबरू करवाएंगे। क्योंकि बहुत सारे हमारे साथियों के लगातार कमेंट आ रहे हैं कि सर जो केवीएस पीआरटी सेक्शन का रिजल्ट है क्या उसको भी रिट कर दिया गया है बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से, क्या आखिरकार उसमें बीएड के स्टूडेंट को रिजल्ट आएगा। पूरी तरीके से आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करेंगे। लेकिन चैनल पर जितने लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। डियर आपकी स्क्रीन पर एक ऑनलाइन आरटीआई कंप्लेन की गई थी माननीय केंद्रीय विद्यालय संगठन को। यहाँ पर आप पूरी तरीके से देख सकते हैं केवल जो नेम है उसको लिंक कर दिया गया है ताकि किसी की गोपनीयता उजागर ना हो सके। यहाँ पर ऑनलाइन आरटीआई के थ्रू ये पूछा गया था कि क्या केवीएस पीआरटी सेक्शंस में बीएड अभ्यर्थियों का रिजल्ट आ रहा है, किस तरीके से आप कहीं ना कहीं जो रिजल्ट को लेकर की जो तैयारी है किस तरीके से चल रही, कई माह का समय बीत गया फिर भी अभी तक आपका रिजल्ट नहीं पब्लिश हुआ। इस संबंध में आरटीआई एक लगाई गई थी उसके अकॉर्डिंग जवाब आया था केंद्रीय विद्यालय संगठन का, आप देख सकती हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है 1, 2, 3 क्वेरीज क्लैरिफिकेशन सजेस्टेशन और नॉट कवर अंडर सेक्शन 2F RTI 2005 द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द डिजायर्ड पोस्ट इन द स्टिल नॉट कम्प्लीट एंड अंडर प्रोसेस एज सच द डिजायर्ड इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी प्रोवाइडेड बाई PIO ऑफ दिस स्टेज। हाउएवर इन द इंफॉर्मेशन दैट द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ द पोस्ट ऑफ PRT अंडर एडवर्टाइजमेंट 16/2021 16/2022 इज बींग डन द कॉम्प्लेंस विद द डिसीजन ऑन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर 11/8/2023। कुल मिलाकर यहाँ की जो गोपनीय चीजें हैं उनकी जानकारी नहीं दी गई कि रिजल्ट में क्या स्टेप चल रहा है, लेकिन इन्होंने ये जरूर बता दिया है कि जो रिजल्ट है वो माननीय सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया है उसके अकॉर्डिंग आएगा। यानी कि ये स्पष्ट हो चुका है कि केवल डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट केवीएस पीआरटी सेक्शंस में आएगा। तो अगर बीएड के अभ्यर्थी आपको गुमराह कर रहे हैं कि हम वहां रिट किए हैं, कोर्ट में इसकी सुनवाई चल रही है, पूरी तरीके से निराधार है डियर। उम्मीद करता हूँ केवीएस पीआरटी वाला डाउट आपका क्लियर हुआ होगा। जब भी रिजल्ट आएगा केवीएस पीआरटी का केवल डीएलएड या बीटीसी अभ्यर्थियों का ही रिजल्ट आएगा, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय संगठन ने पहले ही अपने नोटिफिकेशन में इन सारी चीजों को पहले ही लिख दिया था। तो इसलिए अब इसका कोई कोर्ट केस होने की कोई वजह नहीं है और ऑनलाइन और टीआई के तहत ये जानकारी प्रेषित की गई है। आपकी स्क्रीन पर लिखा भी है, आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अभी 5 अक्टूबर का ही मैटर है। सारी तरीके से पूरी तरीके से आपकी स्क्रीन पर ऑथेंटिक अपडेट दी जा रही है। उम्मीद है डाउट केवीएस पीआरटी वाला समाप्त हुआ होगा। अब बात कर लेते हैं बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। तो आप यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई होने जा रही है कोर्ट नंबर 7 पर, मैं बता दूं माननीय सुप्रीम कोर्ट में सीरियल नंबर 32 पर केस लगा हुआ है बिहार की शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग। क्योंकि वहां पर जो बिहार की सरकार है चालाकी के साथ जो SLP है उसको ड्रॉप्ट करके तैयार किया गया था उसी के अनुपालन में आप ये देख सकते हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एक्नॉलेजमेंट नंबर इत्यादि सब लिखा हुआ है। इस कॉल्ड का मतलब केवल ये है कि बिहार सरकार के केस में इंटरवेंशन पिटीशन फाइल कर दिया गया है, मजबूती से केस फाइल कर अपना पक्ष रखा जाएगा, ये वीएट की तरफ से और कहीं ना कहीं बिहार की सरकार की तरफ से कहा जा रहा है। अब आपको हम तथ्य से रूबरू करवाते हैं डियर। आप जानते हैं कि माननीय सुप्रीम कोर्ट में बीएड वर्सेस डीएलएड केस को माननीय बोपन्ना और माननीय सुंदरेश सर की बेंच सुनेगी। ये डियर वही जजों का पैनल है जिन्होंने छत्तीसगढ़ मामले में बीएड को राहत दी थी, क्योंकि बिहार सरकार ने बड़ी चालाकी से अपने बिहार की भर्ती को छत्तीसगढ़ की भर्ती के समान बता करके SLP लगाया है डियर। यहाँ पर इन्होंने जो जजमेंट आया था माननीय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 11 अगस्त 2023 को, उसको पुनः सुनने के लिए या पूरी तरीके से रिव्यू के लिए केस नहीं लगाया है। इन्होंने जैसे छत्तीसगढ़ में बता दिया गया था कि नोटिफिकेशन पहले का है, प्रोसेस चल रहा है और बीएड के अभ्यर्थियों को भी प्रोसेस में रन करने का जो अवसर है वो दिया जाए, और उसके बाद आपने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ की शिक्षक भर्ती में बीएड अभ्यर्थियों की काउंसलिंग और रिजल्ट पर जो रोक है वो लगाने से इनकार करके बल्कि उनको प्रक्रिया में भाग लेने का आदेश दे दिया था। और उसी के क्रम में आपने देखा कि छत्तीसगढ़ में बीएड के अभ्यर्थी सेलेक्ट होकर के शिक्षक बनकर के विद्यालय में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, हालांकि जो उनका अंतिम मैटर है वो बिलासपुर हाईकोर्ट के अधीन टिका हुआ है नियुक्ति पत्र। उसी तरीके से पूरी तरीके से केस को मढ़ा गया है और चालाकी के साथ जो बिहार की सरकार है वो बीएड के अभ्यर्थियों की तरफ से जो एडवोकेट है उन्होंने पूरी तरीके से हूबहू उसी तरीके से केस यहां पर SLP की है। 320 पेज की SLP पर बिहार सरकार ने
भर भर के झूठ बोला है और छत्तीसगढ़ की तरफ सुप्रीम कोर्ट को गुमराह करने के लिए पूरा प्लान तैयार किया गया है। ये डीएलएड की तरफ से जो एडवोकेट है वो कह रहे हैं। 320 पेज की एसएलपी है, आप देख सकते हैं काफी बड़ी पेजों की, काफी ज्यादा पॉइंट्स जो वहां पर मेंशन किए गए हैं। डियर बीएड को शामिल करने के लिए एसएलपी में कुल 16 पॉइंट भी बताए गए हैं, जिसमें से डीएलएड की संख्या कम है, अच्छे कंपटीशन की कमी, शिक्षक भर्ती में देरी और 11 अगस्त के ऑर्डर से फैसले के पहले परीक्षा का नोटिफिकेशंस और परीक्षा वगैरह सारे शामिल हैं। सिर्फ एक पॉइंट पर इन्होंने बीएड को मजबूत बताया कि आरटी एक्ट 2009 के तहत डीएलएड की कम संख्या होने के चलते राज्य सरकार को बीएड शामिल करने के अधिकार का दिया हवाला और कहा कि हमने केंद्र से पूछ करके ही ये कदम उठाया था। इस तरीके की जो बातें हैं इन्होंने चालाकी के साथ पूरी अपनी 300 जो 20 पेज की एसएलपी है उसको लगाई हुई है। और आप जानते हैं कि पहले भी बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग पटना हाई कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों को कोई राहत नहीं दी थी, ना ही बिहार सरकार को कोई राहत दी थी, और उसके बाद ही मामले को माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एसएलपी के रूप में बिहार की सरकार और बीएड अभ्यर्थियों के द्वारा रेट किया गया है। तो आने वाली 9 अक्टूबर को माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होगी। चूंकि आप जानते हैं कि हाई कोर्ट में इसका कोई मामला पेंडिंग नहीं है, इसलिए जो डिसीजन होगा वो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही कन्फर्म हो पाएगा कि बिहार में जो अभ्यर्थी बीएड की एग्जाम दिए हैं क्या उनका रिजल्ट निकालने का आदेश जारी करती है माननीय सुप्रीम कोर्ट, काउंसलिंग इत्यादि में उनको भाग लेने का मौका देती है, या माननीय सुप्रीम कोर्ट जो पटना हाई कोर्ट का जजमेंट आया है और सुप्रीम कोर्ट का जो 11 अगस्त 2023 का अनिरुद्ध बोस और जस्टिस सुधांशु धूलिया जी के बेंच का डिसीजन आया है उसी को बिहार में फॉलो करा देती है। आने वाली 9 अक्टूबर को बिहार शिक्षक भर्ती के अकॉर्डिंग एक ऐतिहासिक पल हो सकता है। इसके लिए आप लोग चैनल के साथ बने रहिएगा, जैसे ही 9 अक्टूबर को इस केस की सुनवाई होगी मैं आपको तुरंत लाइव आकर के इसकी जानकारी अपडेट के माध्यम से पूरी तरीके से पॉइंट टू द पॉइंट रखने की कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि केबीएस रिजल्ट और बिहार शिक्षक भर्ती के जितने भी डाउट थे वो आप लोगों की पूरी तरीके से दूर हो गए होंगे। अभी भी कोई सवाल रह गया है कमेंट बॉक्स में चिपका दीजिएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।